राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रखकर के हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम फायर की टेंडर की किसी भी कार्यक्रम को रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इस दिशा प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम आए सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया, 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। इसके अलावा और भी अन्य कारणों से, खासतौर पर अब सीजन आएगा, इस सीजन में आप देखते होंगे जब तेज लू चलेगी खड़ी फसल में आग लगने की संभावना दिखती है, उस समय भी फायर विभाग की आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। अग्निशमन विभाग उस समय भी जाकर के लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। मार्केट, कोई किसी मार्केट में कहीं कोई दुर्घटना हो गई उसको बचाव करने के लिए हमेशा खड़ा होता हुआ दिखाई देता है और आज इन सभी कार्यक्रमों को हम लोगों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अग्निशमन तथा हम लोगों ने आपात सेवाओं को उच्चीकरण करने का काम किया है और इस दिशा में न केवल अग्निशमन सेवाएं बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने